जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द फैमिली रेसिपी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है छोले भटूरे, जिसका नाम सुनते ही बहुत लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम ये छोले भटूरे की रेसिपी बनाएंगे और वो भी ढाबा स्टाइल में, और इसके मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिससे कि ये छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम ये छोले भटूरे बनाना। यहाँ मैंने एक बाउल में उबले हुए छोले लिए हैं। ये छोले को मैंने 8 से 10 मिनट तक पानी में सोक कर लिया था और उसके बाद कुकर में इसको बॉईल कर लिया था, और इसी के साथ मैंने कुकर में 2 से 3 सूखे हुए आंवले डाल दिए थे जिससे इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्लैकिश हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे जिसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल, और जैसे ही तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ मैंने एक ही हरी मिर्च ली है जिसको बारीक कट कर लिया था। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बे लीफ जिसे हम बोलते हैं तेज पत्ता, और फिर इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 इंच सिनेमन स्टिक, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 इलायची और 2 लौंग, और फिर इसे हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो ये मसाले का जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छी तरीके से आ जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप फाइनली चॉप किया हुआ ऑनियन। मैंने यहाँ ऑनियन को बारीक कट कर लिया है, आप यहाँ चाहें तो ऑनियन का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब हमें इसे हाई फ्लेम में कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और फिर से इसे हम सौते कर लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑनियन है वो एकदम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो ये स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने नॉर्मली टोमेटोज को वॉश करके कट करके इसे पीस लिया था। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टोमेटोज को पानी में बॉइल कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसकी स्किन निकाल के इसे पीस के इसमें डाल सकते हैं। अब हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें से तेल छूटने ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल जो है वो अच्छी तरीके से टोमेटोज में से छूटने लगा है। तो ये स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, इसी के साथ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और उसी के साथ 1 टेबलस्पून छोले मसाला, और फिर इसे हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से सौते हो जाएंगे और उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हमें ये मसाले को कम से कम 1/2 मिनट तक ही सौते करना है, नहीं तो फिर हमने इसे ज़्यादा सौते किया तो मसाला नीचे से जल जाएगा। और अब ये जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भून गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, और फिर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ ग्रेवी की जो थिकनेस है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं पानी डाल के, लेकिन मैं यहाँ सेमी थिक ग्रेवी बना रही हूँ, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। अब यहाँ पे हम जो गैस का फ्लेम है वो हाई कर देंगे और इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे हाई फ्लेम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी की जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट आ गई है। तो बस अब यहाँ पे हमें यही स्टेज पे इसमें डालने हैं उबले हुए छोले। यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल भर के उबले हुए छोले डाले हैं। अब बस हमें इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम में पकने देंगे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए, और फिर जब ये अच्छी तरीके से उबल रहा होगा तभी हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और फिर से हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लो फ्लेम में वापस से पकने देंगे। हम इसे लो फ्लेम में ही अच्छी तरीके से पकने देंगे कम से कम वापस से 5 से 6 मिनट के लिए। इससे जो ग्रेवी है वो अच्छी थिक हो जाएगी और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, और जो छोले हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा मसाले का फ्लेवर आएगा।
अच्छी तरीके से उबलने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और इसे हम लास्ट बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर यहाँ पे ये जो छोले हैं वो एकदम परफेक्टली रेडी हो जाते हैं। आप यहाँ पे ये स्टेज पे नमक मिर्ची टेस्ट करके डाल सकते हैं अगर कम ज़्यादा हुई होगी तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं छोले का जो कलर है वो एकदम परफेक्ट आ गया है और एकदम परफेक्ट थिकनेस भी आई है ग्रेवी की। तो अब हम इसे गरम गरम सर्व कर देते हैं। हम इसे ऑनियन और मिर्ची के साथ गार्निश कर लेंगे और फिर ये जो छोले हैं वो एकदम परफेक्टली रेडी है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये छोले की सब्जी की रेसिपी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप लोगों को रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड जय श्री कृष्णा।